हरिओम आचार्य जी, सुस्वागतम। हरिओम बच्चों, बैठो बैठो। प्यारे बच्चों, हम सभी मिलके प्रार्थना करेंगे। आचार्य जी, प्रार्थना में योग विद्या, ब्रह्म विद्या की अधिक प्रियता की मांग थी। वैसे विद्या कितनी प्रकार की होती है? बेटा, अति उत्तम प्रश्न है। विद्या तीन प्रकार की होती है। पहली स्कूली विद्या, दूसरी योग विद्या और तीसरी ब्रह्म विद्या। आचार्य जी, इन तीनों में श्रेष्ठतम विद्या कौन सी होती है? बेटा, सा विद्या या विमुक्त, ये जो मुक्ति दिलाए वह विद्या श्रेष्ठ है। तो आचार्य जी, इनमें से कौन सी विद्या मुक्ति दिलाने वाली है? बेटा, इस बात को तुम श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता से समझो। अध्यात्म विद्या विद्यानाम। हे अर्जुन, समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या ही सर्वश्रेष्ठ और मुक्ति दिलाने वाली होती है। राज विद्या राजगुहम पवित्रम इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुसुखम् कर्तुमव्ययम्। यह ब्रह्म विद्या विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाली, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ी सुगम और अविनाशी है। किंतु हे भगवन, मुझ जैसे मलिन अंतःकरण और
अनेकों पाप किए हुए मनुष्य ब्रह्म ज्ञान पा सकते हैं क्या? क्यों नहीं, अवश्य पा सकते हैं। ओम नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते। हे वत्स, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव ऋजनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भलीभांति तर जाएगा। यथे धांसि समिद्रोग्ने भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। क्योंकि हे वत्स, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्म को भस्ममय कर देता है। हे प्रभु, ऐसे परम पावन अविनाशी ब्रह्म ज्ञान मुझे कैसे प्राप्त होगा? ॐ उत्तिष्ठ जाग्रत शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। हे वीर, उठो जागो, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। इस ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को तुम तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानियों के पास जाकर समझो। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्व ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेनाधिगच्छति। वह ज्ञान तो जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्यों को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। प्रभु, मैं आपकी कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का क्रम समझ गया ही हूँ। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गा वही वेद पुराण। आपके कृपा बिन सतगुरु नहीं मिलते, सतगुरु बिन ज्ञान नहीं होता और ज्ञान बिन ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता। सही है ना प्रभु? वत्स,
बिल्कुल सही, सब कुछ ठीक समझे हो। तुम्हारे जिज्ञासा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम कुछ वर मांगो। हे भगवान, हम सभी साधक आपसे यह वरदान मांगते हैं कि सद्गुरु रूप में हमें पूज्य बापू जी मिले हैं। उनके चरणों में हमारी अखंड श्रद्धा बनी रहे। मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में, जीवन में, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में, जीवन में श्रद्धा रहे अखंड सद्गुरु चरणों में। कन्हैया श्रद्धा रहे अखंड सद्गुरु चरणों में। कन्हैया तथास्तु।